हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू टिक्की। बहुत ही इजी सिंपल स्टेप्स के साथ आसान सी टिक्की। आप इसको बनाकर महीना भर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब भी आपका मन है आप इसको निकाल कर बना सकते हैं। किसी भी चाट के लिए बहुत ही आइडियल है, ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, 4 मीडियम साइज़ के आलू, उसको बॉयल करके पील कर लिया है। मैं यहाँ पे इस तरह से मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो पाव भाजी का मैशर आता है वही मैंने इस्तेमाल किया है। इससे थोड़ा आसान हो जाता है, आप चाहें तो आलूओं को थोड़ा ठंडा करके हाथों से भी मैश कर लें, पर इस तरह से मैश करने से इसमें कोई लम्ब्स नहीं रह जाते हैं, या फिर आप इसको मोटा मोटा ग्रेट कर सकते हैं। कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। मैं यहाँ पर सुहाना का ऐड कर रही हूँ, आप आमतौर पर कोई भी दूसरा गरम मसाला जो घर पर ऐड करते हैं वो यूज़ कर लें। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक छोटे साइज़ का प्याज बहुत बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर लें, थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके, 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है। बस अब इसमें हम थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर देंगे, 2 चम्मच। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं, और 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। नमक ऐड कर लेंगे आलू के हिसाब से, और फिर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये आलू थोड़े से गर्म थे इसलिए मैंने यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल किया है। आलू जैसे ही आप उबालें तो उबाल कर तुरंत पानी में से बाहर निकाल लें। अगर आप पानी के अंदर ज़्यादा देर छोड़ देते हैं तो इससे आलू बहुत ही ज़्यादा स्टिकी और सॉगी हो जाते हैं, और टिकिया जो है वो स्टिकी होने की वजह से बाइंडिंग अच्छी नहीं मिलती है और तेल में फटने लगता है। अब ये जैसे ही थोड़ा मिक्स हो गया था तो मैं यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और हाथों से इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि सब इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं इस रेसिपी में। और ये देखिए, ये बैटर इसका बन के बिल्कुल तैयार है, इसका आटा लग के तैयार है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से प्रेस करके इसका गोला बना रही हूँ। तो मैंने मीडियम साइज़ का ही बनाया है, आप चाहें तो बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप बना लें, और उसके किनारों को अच्छे से शेप कर लें। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं था। अगर आपका आलू बहुत ज़्यादा पनीला या स्टिकी हो जाता है पानी ज़्यादा होने की वजह से या ओवर कुक होने की वजह से, तो थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा ऐड कर सकते हैं उसमें, बट बहुत ज़्यादा ऐड करने से फिर आलू का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए उसको परफेक्ट ही बॉयल करें, और बॉयल होने के बाद पानी में से निकाल के आप चाहें तो फ्रिज में रख दें 2 घंटा, उसके बाद पील करके आप टिक्की बना लें। तो ये देखिए, मैंने सारे इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब ये हार्ड हो जाए तो इसे ब्लॉक बैग में या किसी कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लें 15 दिन 20 दिन। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा तेल में डालकर चेक कर लिया था, इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। ये तेल में फट नहीं रहा है, अगर ये तेल में फट रहा है तो आपने इसमें कॉर्नफ्लावर कम ऐड किया है जिसके वजह से ये तेल में खुल रहा है, तो अपने थोड़ा सा और ऐड करके उसको अच्छे से मसल लेना है। अब यहाँ पे फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा था, हाई फ्लेम पर बहुत तेज़ी से ये लाल होगा और ठीक से सिकाई नहीं होगी और क्रिस्पी भी नहीं होगा ये। तो मीडियम फ्लेम पर आराम आराम से इसको सेक लें, और बीच में आप इसको इस तरह से पलट लें। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया था तो बहुत तेज़ी से ये ब्राउन नहीं होता है, धीरे धीरे ये क्रिस्पी होगा और फिर ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा। बहुत स्टिकी और पनीला जो आलू होता है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऑयल सोक कर लेता है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयली नहीं थे, और इसके साथ जो हरी चटनी आती है धनिए वाली वो बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा ड्रेन करके टिश्यू पेपर पे या एब्जॉर्बेंट पेपर पे आप निकाल लें। इसकी ऊपर की कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो बस तेल को फिर से मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और ये दूसरा बैच भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इतने में मैंने 10 बनाकर तैयार किए थे, दोनों तरफ से अलट पलट के कुक कर लिया है, और ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो तैयार है आलू टिक्की। आप चाहें तो इसके ऊपर ठंडा दही और मीठी चटनी ऐड करके इसको आलू टिक्की चाट की तरह रिलिश कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो एक दिन पहले आप बना कर रख लें, और फिर आप इसको दूसरे दिन फ्राई करके पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा फेसबुक पेज है और फेसबुक ग्रुप भी है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर।
बाय।